हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल टेक्निकल भाटी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऑनलाइन ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा परिवहन। अब सबसे ऊपर जो रिजल्ट आ रहा है परिवहन सेवा का, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करें। अब यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। आप में से कुछ लोगों का डाउट होगा कि ये जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है, इसके लिए क्या डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, पहले आपके पास लर्नर लाइसेंस होना चाहिए। और जैसे ही आपका लर्नर लाइसेंस बन जाएगा, उसके 1 मंथ बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है, उसको भी आप देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लर्निंग लाइसेंस के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट आपको कितनी करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत होगी। लर्नर लाइसेंस के लिए आप इस पे भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। कुछ भी सेलेक्ट मत कीजिएगा, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन, सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस, भी आधार कार्ड में जो भी आपका डाटा है, सब कुछ अगर सही है और आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप आधार के थ्रू भी लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप घर बैठे लर्निंग लाइसेंस के ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं। और जो लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट का जो पासवर्ड होगा, वो आपके मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आधार से लिंक है, उस पे आ जाएगा। और उसको डाल के आप ऑनलाइन एलएल टेस्ट दे सकते हैं, घर से या कहीं से भी। और जैसे ही आप उस टेस्ट को पास कर लोगे, तो लर्नर लाइसेंस आप अपना डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन। अगर आपके आधार में आपकी कुछ डिटेल्स गलत है या फिर आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको विदाउट आधार आप किस तरीके से लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसका प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आपके आधार में आपकी सभी डिटेल्स सही है और उसके बाद भी आप विदाउट आधार के थ्रू प्रोसीड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप आधार के थ्रू लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर रखी है। इस पे आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा बिना आरटीओ लाइसेंस, ये आप सर्च कर दीजिए। तो सबसे ऊपर ये वीडियो आपको दिख जाएगी, इसको देख के इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि आप आधार कार्ड के थ्रू किस तरीके से लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरे प्रोसेस की इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने बताई हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए, सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। अब ऑथेंटिकेट विद सारथी पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरीके से ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका एड्रेस है, जो प्रेजेंट एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग आरटीओ आप सेलेक्ट कर लीजिए।
और इसी आरटीओ में आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होंगे, जो भी आरटीओ आप सेलेक्ट करोगे उसी आरटीओ में डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे अपॉइंटमेंट लेने के बाद। जो आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग जो आरटीओ है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिए, यहाँ पे मिडिल नेम डाल दीजिए, यहाँ पे लास्ट नेम डाल दीजिए। और अगर आपका फर्स्ट नेम और सरनेम ये सिर्फ, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये, तो फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल दीजिए, लास्ट नेम यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे अगर आपका नाम है मोहन सिंह गुर्जर, तो मोहन यहाँ पे आ जाएगा, सिंह यहाँ पे आ जाएगा, गुर्जर यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपका नाम है सिर्फ मोहन गुर्जर, तो मोहन यहाँ पे आ जाएगा, गुर्जर यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपका सिर्फ नाम मोहन ही है तो मोहन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको डालना है। यहाँ पे आप रिलेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पे फादर नेम डालना चाहते हो, मदर नेम डालना चाहते हो, हस्बैंड नेम डालना चाहते हो, गार्जियन, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल लीजिएगा जिनका नाम आप डालना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, जेंडर क्या आपका, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपने डाल दीजिए। और जो भी डिटेल आप डाल रहे हो डॉक्यूमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। इन डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एज अ प्रूफ वहाँ पे लेके जाने हैं, तो उसका भी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक देखते रहिएगा इसको। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल के यहाँ पे बर्थ प्लेस डाल दीजिए कि क्या आपका जन्म कहाँ पे हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। काफी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगी, 8th पास हो, 10th+2 है, 10th स्टैंडर्ड है, जो भी है वो। अगर ग्रेजुएट इन नॉन मेडिकल है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, अगर मेडिकल है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, ब्लड ग्रुप क्या है आपका, और अगर आपको नहीं पता ब्लड ग्रुप तो अननोन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, अगर पता है तो ब्लड ग्रुप आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है। ठीक है जी, अब इस पेज पे नीचे की तरफ आप आइएगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ गया है, यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लीजिए, तहसील कौन सी आपकी। और यहाँ पे आप हाउस नंबर, डोर या फ्लैट नंबर डाल दीजिए, अगर विलेज में रहते हो आप तो विलेज यहाँ पे अपना डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए, और सिटी भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर दो जगह आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, गौतम बुद्ध नगर को दो जगह से, और यहाँ पे सिर्फ डाल देता हूँ जीवी नगर, या आप गौतम बुद्ध नगर भी यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, एड्रेस अपना डाल लीजिएगा, यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग। और अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे डाल के इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक परमानेंट एड्रेस भी सेम हो जाएगा। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप ईयर और मंथ डाल दीजिएगा कि कितने साल हो गए हैं आपको इस प्रेजेंट एड्रेस पे, या फिर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अगर आप डालना नहीं चाहते इस डिटेल को तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप व्हीकल सेलेक्ट कर लीजिए, कौन कौन से कैटेगरी का आप लाइसेंस बनवाना चाहते हो। अगर आप मोटरसाइकिल का बनवाना चाहते हो तो MCWG जो है, मोटरसाइकिल विद गियर, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये जो ऊपर बॉक्स है इस पे क्लिक कीजिएगा, इधर MCWG आ जाएगा। अब MCWG के अंदर आप मोटरसाइकिल, स्कूटी या कोई भी दो पहिया वाहन चला सकते हैं। अगर आप MCWOG सेलेक्ट करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप स्कूटी या फिर 50 CC से कम कैपेसिटी के, जो इंजन कैपेसिटी के जो वाहन है उनको आप चला सकते हैं। लेकिन MCWG के अंदर आप कोई भी मोटरसाइकिल या कोई भी दो पहिया वाहन या स्कूटी भी आप चला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मोटरसाइकिल का। अब गाड़ी भी अगर आप चलाना चाहते हो तो LMV जो है इस पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ऊपर वाला जो बॉक्स है इस पे क्लिक कीजिएगा, तो गाड़ी का भी हो गया, मोटरसाइकिल का भी हो गया है। उसके बाद अगर आपका पहले कभी लाइसेंस कैंसिल हुआ था या सस्पेंड हुआ था तो इस पे क्लिक करें, अगर नहीं हुआ था आपका कभी भी कैंसिल या सस्पेंड लाइसेंस नहीं हुआ था तो इसको यूं ही रहने दीजिए, टिक मत कीजिए। अगर आपके पास ड्राइविंग स्कूल का ट्रेनिंग, यानी कि अगर आपने ट्रेनिंग किया ड्राइविंग स्कूल से, तो इस पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो सर्टिफिकेट भी अपलोड के लिए वो मांगेगा। अगर आपने नहीं किया ट्रेनिंग तो इसको इस बॉक्स पे क्लिक मत कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 है, तो इस पे क्लिक कीजिएगा, ये आपको भरना होगा। इसको भरने का तरीका कि ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड करके, यहाँ पे आप डाल दीजिएगा फॉर्म 1, ये आप सिंपली डाल दीजिएगा, तो सबसे ऊपर ये वीडियो आपको दिख जाएगी, इसको देख के इजीली आप भर सकते हैं। तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग भर लेता हूँ, तो यहाँ पे नो, यहाँ पे यस, उसके बाद नो 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 नो।
उसके बाद ये जो बॉक्सेस पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, ओके पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद बैक पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये जो ऑर्गन वाला है इस पे नो पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आएगा तो मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, पूरी डिटेल आपकी यहाँ पे दिख जाएगी, जैसे एप्लीकेशन नंबर, ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसको कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इस पेज का खींच लीजिएगा, आगे जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो एप्लीकेशन नंबर आपसे मांगेगा, ये स्टेटस देखना हो या फिर और भी कोई प्रोसेस कंप्लीट करना हो। यहाँ पे नाम आपका दिख जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी, यहाँ पे फादर नेम दिख जाएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, यहाँ पे सर्विसेज दिख जाएगी किस किस के लिए आपने अप्लाई किया, तो मोटरसाइकिल और एलएम यहाँ पे दिख गया, लाइट मोटर व्हीकल, गाड़ी और मोटरसाइकिल दोनों का है। उसके बाद राइट साइड में आपको यहाँ पे एड्रेस आपका दिख जाएगा, यहाँ पे आरटीओ दिख जाएगा, कौन से आरटीओ में ये प्रोसीड की जा रही है, कौन से आरटीओ में डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। इस पेज का अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म पे के इस पे प्रिंट एक्नोलेजमेंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, सेव इसको कर सकते हैं। अगर कोई डिटेल्स आपने गलत इसमें डाल दी है, वीडियो पे अपलोड कर रखी है कि आप एलएल फॉर्म में करेक्शन किस तरीके से कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो। आगे के प्रोसेस को आप कंप्लीट करना चाहते हो तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। और यहाँ पे अगर पूरी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना चाहते हो तो इस पेज पे आप नीचे की तरफ आइएगा, उसके बाद आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करने, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने, उसके बाद फोटो साइन अपलोड करना, उसके बाद पेमेंट करनी है, उसके बाद अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे आप क्लिक कर दीजिए, अब सबमिट पे क्लिक करें, अब ओके पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए किसको आप अपलोड करना चाहते हो, तो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे हमको एज प्रूफ अपलोड करना है, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ करना है, और अगर आपके केस में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का और मेडिकल सर्टिफिकेट का भी आ रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन, तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से वो आपको निकालने हैं। यहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन का आ रहा है तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वन पे इस पे क्लिक करके प्रिंट इसका निकाल लीजिएगा और आप इसको भर लीजिएगा और स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। और अगर मेडिकल सर्टिफिकेट का भी आ रहा है तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए ये फॉर्मेट है प्रिंट फॉर्म वन ए, इस पे क्लिक करके इसका आप प्रिंट निकाल लीजिएगा और जो आपके एरिया में गवर्नमेंट डॉक्टर उनसे इसको भरवा लीजिएगा और साइन करवा लीजिएगा, मोहर लगवा के स्कैन करके अपलोड कर लीजिएगा। अगर आपके इसमें यहाँ पे आपको ये दिख नहीं रहा है और वहाँ पे अपलोड के लिए मांग रहा है उनको, तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो उस पर उस लिंक पे क्लिक करके आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर सकते हो फॉर्म वन ए वाहन, ये आप सर्च कर दीजिएगा तो इसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो ये इसका फॉर्मेट है, इसको आप वो करवा लीजिएगा, भरवा लीजिएगा और साइन मोहर लगवा लीजिएगा जो आपके एरिया में गवर्नमेंट डॉक्टर, और भर के अपलोड कर दीजिएगा, स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। तो मैं फटाफट अपलोड कर लेता हूँ, जैसे एज प्रूफ में अपलोड करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं प्रूफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रूफ, एज प्रूफ में आप स्कूल सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाई म्यूनसिपलिटी, फोटो आईडी कार्ड इशूड बाई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, आधार कार्ड विद डेट ऑफ बर्थ, इनमें से कोई सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। अगर आप पैन कार्ड कर रहे हो तो फोटो आईडी कार्ड इशूड बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, इस पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट नंबर में 123 आप कुछ भी डाल सकते हो, या जो डॉक्यूमेंट नंबर वो आप डाल दीजिए, इशूड बाई किसने इशू किया वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, शॉर्ट में भी आप डाल सकते हैं, फुल आप डाल दीजिएगा, इशूड डेट किस डेट में इशू हुआ है वो डॉक्यूमेंट वो यहाँ पे डाल दीजिए। अगर एग्जैक्ट डेट नहीं पता आपको तो अप्रॉक्स अंदाजे से आप डाल सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर में आप मोबाइल नंबर डाल सकते हो या 123 कुछ भी आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप अपलोड करना चाहते हो, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो 500 KB या 500 KB से कम साइज होना चाहिए, जेपीजी, जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में वो होना चाहिए। और सेलेक्ट करने के बाद सिंपली अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करोगे दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, दो क्या तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे, व्यू, कंफर्म और क्रॉस। तो अगर व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिएगा कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया किया है या गलत किया है। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो कंफर्म पे क्लिक करके उसको सेव कर दीजिएगा, अगर आपसे बाय मिस्टेक गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो क्रॉस पे क्लिक करके आप री अपलोड दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो हमने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ,
उसके बाद इसी तरीके से जो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ है, जो करंट एड्रेस प्रूफ है वो अपलोड करता हूँ। तो करंट एड्रेस प्रूफ में आप पासपोर्ट, एफिडेविट बाय नोटरी आउट कमिश्नर, वोटर आईडी कार्ड, LIC पॉलिसी स्टेटमेंट, आधार कार्ड विद डेट ऑफ बर्थ, आर्म्स लाइसेंस इशूड बाय गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट, इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। फटाफट अपलोड कर लेता हूँ, कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सभी डॉक्यूमेंटों को अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाता है ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब इस पेज पे नीचे की तरफ आता हूँ, फोटो एंड साइन अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो भी फोटो साइन आप अपलोड कर रहे हो 20 KB या 20 KB से कम होना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में वो होना चाहिए। यहाँ पे आप फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे साइन सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कीजिए। अब राइट साइड में आपको फोटो दिख जाएगा, साइन दिख जाएगा, और अगर सही है तो सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए अगर सब कुछ सही है तो। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से यहाँ पे फोटो आपका दिख जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म निकालने के लिए जो सेकंड नंबर पे एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक कीजिएगा। 4 या 5 पेज की एक एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, उसका आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं। अब पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको पेमेंट दिख जाएगा, कितना पेमेंट आपको करना है, आपके RTO में पेमेंट कम या ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, ये सिर्फ गेटवे या ट्रेजरी है, जो भी आपका बैंक है वो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के पे नाउ पे क्लिक करें। अब ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करें। अगर आप SBI की नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, डेबिट कार्ड के थ्रू SBI के डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं SBI के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये कार्ड डिटेल्स डाल के पे पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद उस मोबाइल पे एक OTP चला जाता है जो कार्ड से लिंक है, तो OTP यहाँ पे डाल के मैं पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है पेमेंट डन सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हैं, क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। अगर आपकी पेमेंट पेंडिंग में चली गई है या कोई और एरर आ रहा है तो फिर से आप एग्जिट हो गए हो, तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है, उसको देख के आप प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, पेमेंट रिसिप्ट अपनी निकाल सकते हैं और आगे के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे सामने ओपन होके आ गया है, तो क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पर हम क्लिक करते हैं पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए। तो इसको आप सेव करना चाहते सेव कर सकते हैं, प्रिंट आप इसका निकालना चाहते हो प्रिंट आप निकाल सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट करने के दो तरीके हैं, या तो आप एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू कर सकते हो, या अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके LL टेस्ट स्लॉट बुकिंग पर क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के, एक कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करके प्रोसीड टू बुक पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो कैलेंडर ओपन हो जाता है तो उसमें जो भी ग्रीन डेट चल रही है इसमें से किसी भी डेट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद राइट साइड में टाइमिंग स्लॉट ओपन होके आ जाएगा, इसमें से किस टाइम के बीच आपको चाहिए इस पे क्लिक करके बुक स्लॉट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक सिक्योरिटी कोड चला जाएगा, जो मोबाइल लर्निंग लाइसेंस में आपने डाला था एप्लीकेशन में, तो वो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल के कन्फर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, इसको आप सेव करना चाहते सेव कर सकते हो, प्रिंट आप इसका निकालना चाहते हो प्रिंट आप निकाल सकते हो। जिस डेट का आपको अपॉइंटमेंट मिला है उस डेट में आपको RTO जाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है एप्लीकेशन फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट, रेफरेंस स्लिप, एज प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, ये आपको ओरिजिनल और फोटो कॉपी लेके जाना होगा, पेमेंट रिसिप्ट, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, 4 या 5 पासपोर्ट साइज फोटो। पेमेंट आप किस तरीके से निकाल सकते हो अपने एप्लीकेशन का वो मैं आपको बता देता हूँ। पेमेंट रिसिप्ट आप यहाँ से फीस पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ से ई पेमेंट पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करके आप निकाल सकते हो, और बाकी के डॉक्यूमेंट यहाँ से अदर्स पे क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म्स पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के उनको आप निकाल सकते हो जिनको भी आप निकालना चाहते हो। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट निकालना चाहते हो यहाँ से निकाल सकते हो, और यानी कि जो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट यहाँ से, एक्नॉलेजमेंट यहाँ से, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप निकाल सकते हो। स्टेटस आप देखना चाहते हो तो यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस आप देख सकते हो, एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है यहाँ पे भी आप डाल सकते हो। हमारे चैनल पे LL स्टेटस पूरा प्रोसेस हमने बताया हुआ किस तरीके से आपको देखना है। अगर आपको फीस रिसिप्ट निकालनी है तो उसका भी हमने बता रखा है,
किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे लाइसेंस भी डाल दीजिएगा, या शुरू में फीस रिसिप्ट लाइसेंस डाल दीजिए, लाइसेंस फीस रिसिप्ट डाल दीजिएगा, तो ये वीडियो आपको दिख जाएगी। तो मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा किस तरीके से आप निकाल सकते हो। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट एलएल डाल दीजिएगा, वो वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगा किस तरीके से आप निकाल सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आप व्हीकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो व्हीकल यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो व्हीकल रिलेटेड लगभग सारी वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आप जानना चाहते हो किस कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होती है, तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हो। इनमें काफी वीडियो हमने अपलोड कर रखे कैटेगरी में, इनको भी आप देख सकते हो। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।